dear students of first year B. Today I am going to teach you the second and third passages of the lesson Discovering Text, written by A.R. Williams. I have already taught you the first passages yesterday. Second passage starts from an angry wind dot dot dot. ...3,300 years ago. An angry steered up ghostly dust, devil as the king, that was taken from his resting place. एक बहुत ही तीव्र हवा प्रवाहित हो गई और बहुत भयंकर धूल भरी आंधी शुरू हो गई, जब टट को उसके प्राचीन जो कब्रिस्तान मिस्र में था, जिसमें उसको दफनाया गया था, उसके शव को, और उस कब्रिस्तान को वैली ऑफ किंग्स के रूप में जाना जाता है. डार्क वैली क्लाउड्स हैड स्कडेड, बहुत ही काले रंग के बड़े बड़े बादल मरुस्थल के चारों ओर आसमान में विचरण कर रहे थे पूरे दिन, और वह सितारों को जैसे कि छिपा रहे हों इन द कैस्केट ग्रे, एक जो भूरे रंग की पिटारी टाइप की कैस्केट है उसमें सितारों को छिपा रहे हो. इट वॉज 6 PM ऑन 5 January 2005. जनवरी 5 January 2005 के 6 बजे का समय रहा होगा. द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मनी गिल्डेड हेड फर्स्ट इंटू ए सीटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रूव द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3,300 years ago. पूरी दुनिया के जो प्रसिद्ध ममी जो बनाए गए थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ममी इस टुट की ममी थी, और इसको जब कब्रिस्तान से ममी इसकी निकाली गई एक कफन में रखी हुई, और उस ममी को सीटी स्कैन के थ्रू उस जांच कराई गई, और उस जांच में ये देखा गया कि ये जो महान शासक जो कि अपनी किशोरावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था, 3,300 वर्ष से भी ज़्यादा का समय हो गया था, तो उसको जांचने के लिए, चिकित्सकीय जांच के लिए उसे सीटी स्कैन उसका कराया गया ममी निकाल करके. सेकेंड पैसेज स्टार्ट होता है. ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैज डिसेंडेड इनटू द क्रैम. दोपहर के बाद एक बहुत बड़ी यात्रियों की, पर्यटकों की लाइन दुनिया भर से जो वहाँ आई हुई थी, रॉक कट टॉम 26 फीट अंडरग्राउंड, 26 फीट नीचे उस मकबरे को, मकबरे में शव को दफनाया गया था, और वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दुनिया भर के लोग वहाँ पर कतार में खड़े हुए थे. दे गेज्ड एट द म्यूरल्स, और
उस मम्मी की जो कब्र थी उसकी भित्तियों पर जो चित्र अंकित थे दीवालों पर, उनको एक तक देख रहे थे। ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, जो कब्र थी, कब्र की दीवारों के में जो भित्ति चित्र थे, जो वॉल पिक्चर्स थी, उनको देख रहे थे। एंड पीयर्ड एट द टट्स गिल्डेड फेस, और टट के फेस को जो कि बाहर को निकाला जा रहा था, उसको बहुत ही आकर्षक, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, जिसका कि बहुत ही आकृति बहुत ही प्रभावशाली थी, ऑफ हिज मम्मी सेव्ड आउटर कफिन लेड, जब उसकी मम्मी से उसके शव को निकाला गया तो उसका बहुत ही आकर्षक फेस था। उसका टुटका, सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स, कुछ पर्यटकों ने अपनी गाइड बुक में पढ़ा हुआ था, इन ए विस्पर, और बहुत धीमे से पढ़ रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, अन्य लोग कुछ शांतपूर्वक खड़े हुए थे। पीपल पॉन्डरिंग टुट्स अनटाइमली डेथ, और लोग सोच रहे थे कि टुट की जो युवावस्था में मृत्यु हुई है, इन इज लेट टीन्स, जब वह किशोरावस्था को प्राप्त था उस समय उसकी मृत्यु हुई, आर वांडरिंग विद ए सीवर, ये उसकी मृत्यु के बारे में सोच करके आश्चर्यचकित हो रहे थे, यहाँ तक कि कांप रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फेरोज कर्स, फेरो का कोई उन पर अभिशाप न लग जाए। डेथ एज मिसफॉर्च्यून फॉलिंग, और उसकी उन्हें मृत्यु जैसी कोई बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़े। अपॉन दोज डिस्टर्ब्ड हिम, उन लोगों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, दोज डिस्टर्ब हिम, जो उसे डिस्टर्ब करेंगे। वाज रियली ट्रू, वाकई में ये सही था। इस तरह से आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड पैसेज को पढ़ाया गया, और इसमें आई हैड रिटन डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पैसेज इन ए फोटो, यू विल हैव टू लर्न दोज डिफिकल्ट वर्ड्स, by learning those difficult words it will be easy to understand both the passages clearly. You are advised to read the two passages again and again, and in the next video I will teach you the next passages. Till then, goodbye.